हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं सोनू, आप सबको अपनी रियल लाइफ बेस्ट स्टोरी के बारे में आपको बताऊंगा कि मैं कैसे एक वीक स्टूडेंट से एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बन पाया। तो दोस्तों, 2013 में 12th करने के बाद मैंने नेहरू कॉलेज झज्जर से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की 2016 में। और मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ, और मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि उनका बेटा आर्मी ज्वाइन करे। मैंने इसके लिए प्रिपरेशन भी की, काफ़ी मेहनत की, बट मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। और मेरे सिलेक्शन ना होने की वजह से मैं काफ़ी हताश, काफ़ी उदास रहने लग गया। मैं काफ़ी अपसेट रहने लग गया, मेरा माइंड काफ़ी अपसेट हो चुका था। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, अपने फ्यूचर के बारे में मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था बिल्कुल। तब मेरे बचपन के दोस्त पवन ने मुझे आर्मी के अलावा और भी अच्छी जॉब्स के बारे में मुझे सजेशन दिया। उन दिनों में वह रोहतक इंस्टीट्यूट पे वहाँ कोचिंग के लिए वह दिल्ली आता था, गवर्नमेंट जॉब की वह तैयारी कर रहा था। तो उसने मुझे यहाँ वैदिकन के बारे में उसने मुझे बताया। और वैदिकन में यहाँ पे आने के बाद मैंने वैदिकन को ज्वाइन किया। उसने मुझे यहाँ के नियमों के बारे में बताया, जैसे डेली क्लासेज 9 से 5 बजे, डेली अटेंडेंस 3 टाइम्स, मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून में 3 टाइम्स अटेंडेंस, और फोन सबमिट करना, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट। आपने जनरली देखा होगा कि इस तरह के नियम्स कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट पे होते नहीं है कि बच्चा मतलब बच्चे का फोन सबमिट हो और बच्चा स्टडी कर पाए। आपने देखा होगा कि टीचर पढ़ा रहा होता है और बच्चा पीछे फोन यूज कर रहा होता है, तो इस तरह से एक स्टूडेंट कभी स्टडी नहीं कर सकता। तो बट हमारे वैदिकन में ये पॉसिबल था कि हम मतलब फोन सबमिट करें, और इस तरह के कुछ रूल्स थे। तो यहाँ के सभी रूल्स को मैंने काफी अच्छे से फॉलो किया। यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ का स्टडी इन्वायरमेंट, यहाँ का टीचिंग बिहेवियर देखकर मुझे मुझे काफी अच्छा लगा। और जैसा कि मैं बचपन से ही मतलब मैं चाहता था कि मुझे ऐसा इन्वायरमेंट मिले, मुझे ऐसा स्टडी इन्वायरमेंट मिले और ऐसा टीचिंग बिहेवियर मिले ताकि मैं अपनी स्टडी में काफी इंप्रूव कर पाऊँ। बट मुझे वैदिकन में यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा स्टडी माहौल मुझे मिल पाया और मैं अपनी स्टडी को ग्रो कर पाया। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि ऑनलाइन टेस्ट का एक फायदा ये होता है, एक बेनिफिट्स ये होता है कि यहाँ मतलब बच्चे के मतलब इससे बच्चे के एक ले, उसके लेवल का पता चल जाता है कि बच्चे का लेवल कहाँ है और उसके लेवल को कहाँ से किस लेवल तक उसको लेके जाना है। तो मुझे यहाँ के काफी अच्छा लगा, मैंने सभी रूल्स को फॉलो किया और यहाँ आने के बाद मेरा स्टडी का जो लेवल था वो मैं अपने अपने लेवल को काफी अपलिफ्ट कर सका अपने टीचर्स की हेल्प की वजह से। जैसे मैथ्स में राहुल सर ने मेरी काफी हेल्प की, आदित्य सर ने मेरे साइंस में काफी हेल्प की, प्रवीण सर ने रीजनिंग में मेरी काफी हेल्प की, काफी सपोर्ट किया, और दीपक सर ने मुझे जीके में काफी सपोर्ट किया, और नेहा मैम की वजह से ही मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो पाई। तो दोस्तों, मेरा आने जाने में जो टाइम स्पेंड ज्यादा से ज्यादा होता था, जैसे अपने घर से आना और इंस्टीट्यूट से अपने घर जाना, इसमें मेरा काफी टाइम वेस्ट होता था और मैं स्टडी नहीं कर पाता था। बट मेरे दीपक सर ने मेरे यहीं पर रहकर स्टडी करने का अरेंजमेंट किया और मेरे मेरे जो 4 घंटे जो मेरे आने जाने में जो वेस्ट होते थे वो मेरे सेव होने लगे और मैं 4 घंटे एक्स्ट्रा स्टडी करने लगा। तो इस तरह से मेरे स्टडी में काफी इंप्रूवमेंट आया सभी टीचर्स की हेल्प की वजह से और मेरे दीपक सर की हेल्प की वजह से। और आज ने हमें के ही कारण मैं यहां तक पहुंच पाया हूं कि मैं आपको अपनी रियल लाइफ बेस्ट स्टोरी के बारे में आपको बता सकूं। तो दोस्तों, ये थी मेरी रियल लाइफ बेस्ट स्टोरी कि मैं कैसे एक वीक स्टूडेंट से एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बन पाया। आप भी एक वीक स्टूडेंट से एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बन सकते हैं। आप अपने माइंड में कभी ये थॉट्स आपके माइंड में कभी नहीं आना चाहिए कि मैं वीक स्टूडेंट हूं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं होता। वीक उसकी थिंकिंग होती है, उसकी सोचने की, वह कैसा सोच रहा है, वह क्या सोच रहा है, उसकी थिंकिंग ही उसे वीक बनाती है। तो दोस्तों, मेरे माइंड में ये थॉट आ रहा था कि मैं भी काफी वीक स्टूडेंट हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। बट मेरे माइंड में एक थॉट ये चल रहा था, अगर मैं कोशिश करूं तो मैं जरूर कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, और मुझे ये करना है। और तो मैं ऐसा कर पाया, मेरी सोच काफी चेंज हो गई थी। यहाँ मैंने आने के बाद अपने अंदर पिछले सालों के कंपैरिजन में बहुत ही चेंजेस देखे हैं, और जिससे मेरी स्टडी का लेवल 0 लेवल से अपलिफ्ट हो सका अपने सभी टीचर्स की हेल्प की वजह से, वैदिकन की हेल्प की वजह से। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि वैदिकन कंपटीशन एग्जाम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, जहां पर आकर आप अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकते हो।
जैसे मैंने अपना अपना भविष्य उज्जवल किया यहाँ पे आके, और मेरी स्टडी काफी अच्छी हो रही है, और मेरी रैंक भी काफी अच्छी रहा आ रही है। जो मेरी रैंक पहले 100 आउट ऑफ 100 में से मेरी 60-70 रैंक होती थी, अपने सभी टीचर्स की हेल्प की वजह से मेरी रैंक टॉप 10 टॉप 15 में आने लग गई, और कई टेस्टों में मैंने टॉप भी किया। सभी टीचर्स को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, जो उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की और मुझे काफी सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट की वजह से ही मेरी स्टडी काफी अच्छी हो सकी। तो दोस्तों, आपके अंदर मेहनत, विश्वास, जज्बा, जोश, जुनून, अगर ये भावनाएं आपके अंदर हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती, आपको बड़ा होने से नहीं रोक सकती। आप मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करिए, क्योंकि एक गुड डिसीजन कैन चेंज यूर लाइफ, ओनली वन यू कैन चेंज यूर लाइफ। आप ही अपना भविष्य बना सकते हो। अपनी लाइफ में हमेशा अच्छे डिसीजन लीजिए। सपने वो नहीं होते जो हम रात को देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। बिल्कुल मेरी तरह, मेरे भी ही सपने कुछ ऐसे ही हैं जो मुझे सोने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, अपने सपनों के पीछे इतना भागो कि आपसे मिलना लोगों का सपना बन जाए। तो ये थी दोस्तों मेरी रियल लाइफ बेस्ट स्टोरी। प्लीज मेरी स्टोरी, ये थी मेरी रियल लाइफ बेस्ट स्टोरी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी जिंदगी में एक अच्छा डिसीजन लीजिए ताकि आपकी लाइफ चेंज हो सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे साथ ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। इसके लिए बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि हमारी न्यू वीडियोज आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।